Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the video session, Kantob Publishers. Before we start, you need these three books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए. Second thing is summer pack. Because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों, resource pack. ये रिसोर्स पैक जो है दिस इज फॉर द टीचर्स. लेकिन आजकल आप लोग घरों पे हैं तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ कैंटब पब्लिशर्स. डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट हैबिटेट एंड प्रीडेटर्स एंड प्राय. टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडप्टेशन. You have already studied about adaptation in class 3 in detail. Today we are having, just to introduce you once again, some of the new features of the same adaptation topic. Just have a glance on the text and then we will go on the next page. Adaptation in particular environment. Animals and plants are adapted to their particular environment. They have the characteristic that allow them to survive there. This makes them able to compete for limited resources. We have studied these adaptations in detail in class 3. However, one example of each particular habitat is given to understand the basic concept. किसी भी environment के साथ, उस environment में रहने वाले एनिमल्स को की सलाहियत को, उनकी उस ताकत को कि वहां पे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, एडप्टेशन कहलाती है. नॉर्मल सिचुएशन में देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर एडप्टेशन, बट पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज सिवियर कोल्ड. सिवियर कोल्ड हो तो क्या करें, और सर्वाइवल इन डेजर्ट एनवायरमेंट वेयर देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इज सिवियर हॉट. There is less amount of water present there and there is always a scorching sun. So see about the survival in cold environment. Cold environment mein you see this polar bear, and polar bear is living in absolutely cold conditions. Iske upar jo farq aapko nazar aa raha hai, you remember jab aap sakht tand mein aap coat pehante hain aur अक्सर उस कोट के अंदर एक फर सा लगा होता है जो आपको बिलीव होता है कि ये मुझे सख्त सर्दी से बचाता है. तो इसी तरीके से अल्लाह अलमाइटी हैज ब्लेस्ड दिस बियर विद दिस फर. इस फर और ये इतना, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी सनलाइट पड़ती है तो इसको ठीक ठाक किस्म की हीट प्रोवाइड होती है. और चूंकि ये कैमोफ्लाज होता है, अपने आप को प्रीडेटर से भी बचा सकता है इस एनवायरनमेंट में, बिकॉज ऑफ इट्स कलर. जो व्हाइटिश कलर है आइस का, वही इसका कलर होता है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है. और इसका जो शेप है वो भी ऐसा है जिस तरीके से, और इसके यहां पे जो लार्ज फरी फीट वो भी होते हैं, और इसके यहां पे पाज ऐसे होते हैं कि वो सख्त बर्फ पे भी, सख्त ठंड में चल सकते हैं. जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट. पोलर बियर आर वेल अडॉप्टेड फॉर सर्वाइवल इन द आर्कटिक रीजन. देयर अडॉप्टेशंस इंक्लूड नंबर वन, व्हाइट अपीयरेंस एज अ कैमोफ्लेज फ्रॉम प्रे ऑन द स्नो एंड आइस. यानी प्रे को अटैक करने के लिए आराम से उसके पास जा सकते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आता because of its appearance. Number two, thick layer of fat for insulation against cold. यानी इस फर के साथ इसमें फेट होता है बहुत ज्यादा, और फेट क्या होता है, वो बॉडी को टेम्परेचर देता है. स्मॉल सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो टू मिनिमाइज हीट लॉस. ये लंबा तड़ंगा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे गोल मटोल सा है कि मिनिमम एरिया में ज्यादा से ज्यादा इसकी बॉडी कवर्ड है. A greasy coat that sheds वाटर आफ्टर स्विमिंग. यानी ये ग्रीसी टाइप होता है, जैसे पानी से निकलता है और थोड़ा सा खुद को हिलाता है तो पानी सारा का सारा नीचे गिर जाता है. लार्ज फरी फीट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर लोड एंड इंक्रीज ग्रिप ऑन द आइस. यानी ये
चौड़े इसके पाव होते हैं जिससे वो आसानी से अपने बॉडी को उसमें मेंटेन कर सकता है. बिसाइड दिस वी टॉक अबाउट सर्वाइवल इन डेजर्ट एनवायरमेंट. यहां पे एक प्लांट है, आई विल शो यू वन एनिमल ऑल्सो. ये प्लांट जो है दिस इज पर्टिकुलरली लाइक कंसीडर्ड टू बी द प्लांट ऑफ डेजर्ट. क्यों? एक तो इसके सरफेस सख्त और इसके पत्त लूज नहीं है, इसके सिर्फ इसके ऊपर स्पाइन्स है जिसकी वजह से आपको ये वाटर लॉस को कंट्रोल करता है. और इसकी जो रूट्स है ये कैक्टस प्लांट है और ये सख्त गर्मी में भी. और दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये सलाहियत है, इतना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कि मंथ्स तक, महीनों तक अगर उसको पानी ना मिले तब भी ये जिंदा रहता है. डेजर्ट प्लांट्स आर वेल अडॉप्टेड फॉर सर्वाइवल इन डेजर्ट. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस सर्वाइवल बिकॉज ऑफ स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर. ये स्टेम ही यानी जिस तरह पानी का जखीरा है. दिस इज लाइक वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम दैट कैन कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लार्ज एरिया, दूर दूर तक इसे गए होते. सेकेंडली व्हाट आई सेड, इसके लीव्स नहीं है जिससे ट्रांसपीरेशन की वजह से ऊपर पानी से जा सके. लेकिन आते हैं डेजर्ट के लिए एक सहराई जहाज यानी कैमल. I have taken this from your class 3 book because it was necessary to show you once again. This is camel or its adaptation. सबसे पहले इसके आंख में long eyelids keeps and out. यानी eyelids अगर ये आंखें बंद कर ले तो ये सहरा में इसको कुछ नहीं होता. और ये हम अगर अपने दोनों nostrils को बंद करना चाहें बगैर हाथ के, you try, नहीं बंद कर सकते. ये कर सकता है, ये हड़प करके इसको बंद कर देता है और इसके अंदर नहीं जाता. उसके बाद कैमल फीट आर वाइड, इट कैन वॉक ऑन सैंड मोर इजीली. यानी इसके चौड़े चौड़े पैड्स होते हैं जिसकी वजह से वह आसानी से जा सकता है. और सबसे बड़ी अडॉप्टेशन, फैट कैमल हम्प कैन स्टोर वाटर इवन फॉर मंथ्स. सो दिस इज कॉल्ड एज अडॉप्टेशन. और दूसरी बात यह कि यहां पर जब हम प्रीडेटर के उसमें करेंगे तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि पोलर बियर अपने आप को उस एनवायरमेंट के मुताबिक, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स और एनिमल्स उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सलाहियत डाली है कि वो सख्त से सख्त कंडीशन में भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ दिस इज द टाइम फॉर होमवर्क. आप लोग होमवर्क उठा लें समर पैक को और डोंट फॉरगेट टू डू योर समर टास्क. बेस्ट ऑफ लक माई डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.